सलमान खान ने मनारा को जिस तरीके से समझाया, आपको वो तरीका कैसे लगा और वो पॉइंट कैसे लगे? और मैं बहुत 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 खुश हूं कि मनारा के सामने बाबू भैया का असली चेहरा सलमान खान लेके आए कि भाई ये बंदा है कैसा। ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दी थी, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की थी और आप लोगों को बोला था, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरी बातों को इम्पॉर्टेंस देते हो, तो आपको मेरी बातें याद होंगी कि मैंने बोला था कि मनारा जो है इनके पास जाके बैठती है और मनारा जो जो बातें बोलती है उसमें बोलते हैं हाँ 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 अंकिता खराब है, सही बात है, हाँ हाँ वो तुझे टारगेट कर रहे, मतलब कि उसके बदले ये लोग एज अ दोस्ती में उसको रिलैक्स नहीं करते। अभी मुनावर से इसीलिए तो सवाल पूछा, बोला कि भाई मुनावर अगर तुम्हारे पास आता तो वो बोलता कि भाई तू इस घर में है, तुझे टारगेट नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा। अभी यहाँ पर बाबू भैया ने बोला हाँ भाई मैं भी देख रहा हूँ कि तेरे को टारगेट कर रहे हैं, ये मतलब कि और चढ़ाने की, आग लगाने की, और ज्यादा बुरा फील करवाने की जो है ये चीज बाबू भैया ने यहाँ पर की। मनारा ने जो मुद्दे उठाए, मैंने भी आप लोगों को बोला कि जिग्ना और रिंकू ने जो एक्चुअली में उसको नॉमिनेट किया वो एकदम रॉन्ग था, मनारा का रिएक्शन वहां पर एकदम सही है। और रही बात वहां पर पावर वाले उसमें जो लड़ाई की थी उसने मनारा और जब अंकिता के बीच में लड़ाई हुई, अंकिता जो है और ओवर पावर करने लग गई वो भी मनारा के ऊपर फालतू की पिछली वाली बातों पे, तूने मुझे फेक बोला, तूने मुझे डोमिनेटिंग बोला, तूने मुझे ये बोला, तूने वो बोला, पुरानी बातें जो सुनी हैं कि भाई ये इस लड़की को ये बोला, तो बहुत ज़्यादा टारगेट जो है वो अंकिता कर रही थी। काफ़ी सारे अंकिता के फैंस मुझे बोल रहे थे कि भाई मनारा है ऐसी, मनारा ने ऐसा सब चीज़ें बोला, आप अंकिता के पीछे ही पड़ी रहती हो, पर जो चीज़ें दिख रही है सलमान खान भी बोल रहे हैं ना, फिर वो लोग मुझे फिर दोबारा से कमेंट करके बोले कि भाई हाँ सलमान खान ने भी आपकी बात बोली है जो आप इतने हफ्ते से बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनारा को समझाया और मनारा ने जो है समझा भी है, और मनारा को एक हिंट भी दे दी है कि भाई जो बंदा आपको समझाता है उसके बाद फिर आप दूसरे बंदे के पास जाते हो या बंदी के पास जाते हो, फिर उसकी बात मान लेते हो, तो ये चीज़ नहीं करना ना। तो वो हो गया है कि हाँ भाई मुनावर को भी समझा दिया कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अब आपका कौन अपना है वो सेट करो, इधर उधर अगर दुश्मन है तो दुश्मन, ये भी चीज़ समझा दी है। क्यों मुनावर समझा है कि इस चीज़ से मनारा को भी हर्ट हो रहा है, मनारा जो मुद्दा उठा रही है कि भाई हाँ अंकिता के साथ ऐसा हुआ तो ये तो मतलब कि उसके साथ साथ चला गया, बड़ी जल्दी ठीक हो गया, ये भी मुद्दा जो मनारा ने उठाया था वो सही उठाया था, पर उसके ऊपर मनारा रिएक्शन ना करे या अपना नेचर ना दिखाए ये तो नहीं हो सकता। तो मुनावर भी समझ चुका है, मुनावर को भी समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ रियलिटी और बाबू भैया की जो सच्चाई सामने आई है, जो कि वो बंदा करता है ऐसी चीज, वो भी सामने आ चुका है, उससे भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट मनारा उस बंदे से थोड़ा दूर तो रहेगी, जो बंदा जो है उसको रिलैक्स नहीं और ज्यादा आग भर रहा है दिल और दिमाग में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।